साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। जय श्री राधे साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम समझेंगे कि आखिर मीन लग्न की कुंडली में धनवान बनने के योग, धन योग क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, अभी तक इसी श्रृंखला में हमने अब तक मेष लग्न से लेकर के कुंभ लग्न तक की कुंडली में ये समझे हैं। इन सभी के अलग अलग एपिसोड है, यदि आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां धनवान बनने के योगों का एक फोल्डर है, वहां जाकर के जो है मेष लग्न से लेकर के कुंभ लग्न तक के वीडियो आप एपिसोड जो है वहां देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मीन लग्न कहते किसे हैं। यहां जो है 12 नंबर लिखा हुआ है, यह होता है कुंडली का पहला भाव। इस भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर पर कौन सी राशि आती है, यानी कि अंतिम राशि कौन सी है, मीन राशि, तो यह मीन लग्न की कुंडली होगी। मान लीजिए यहां पर 8 नंबर लिखा होता तो 8 नंबर पर कौन सी राशि आती है, वृश्चिक राशि, तो यह वृश्चिक लग्न की कुंडली होती। ठीक है, देखिए मीन लग्न की कुंडली में मंगल देव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यदि हम धनवान बनने के योगों को समझ रहे हैं तो मंगल देव की स्थिति बहुत कुछ जो है डिसाइड करेगी। देखिए, यदि मंगल देव दूसरे भाव में हो बहुत अच्छी स्थिति, अपने स्वयं की राशि में है। इसके अलावा यदि मंगल देव 11वें भाव में होंगे तो 11वें भाव में वो यहां उच्च के हो जाएंगे, जो भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है इसे हम धन भाव भी कहते हैं। ठीक है, 11वां भाव जो होता है इसे हम लाभ भाव कहते हैं। तो या तो लाभ भाव में मंगल देव हो, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, उच्च के रहेंगे, या दूसरे भाव में हो जो कि इनके स्वयं की राशि है, बहुत अच्छी स्थिति यहां रहेगी। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि इस एपिसोड को समझने में आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखें करके एक फोल्डर है, उसके अंदर पार्ट फर्स्ट से आप देखें, बिल्कुल सरलता से और बिल्कुल आसान भाषा में वहां ज्योतिष सिखाई गई है। वो यदि आप 4-5 एपिसोड देख लेंगे तो उसके बाद ये एपिसोड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखिए, इसके बाद शनिदेव यदि 11वें भाव में हो, शनिदेव की अपनी स्वयं की राशि है, बहुत अच्छी जो है स्थिति। इसके साथ ही मंगल देव भी दूसरे भाव में हो, यानी कि शनिदेव 11वें भाव में और मंगल देव दूसरे भाव में, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि जो है नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगला योग क्या है, देखिए मंगल देव यदि कुंडली के पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो ये भी जो है बहुत अच्छी स्थिति होती है। यानी कि धन स्थान और भाग्य के स्वामी दोनों ही मंगल देव हैं, तो वो यदि उठकर के पहले भाव में होंगे, दूसरे भाव में होंगे, चौथे में होंगे, 7वें में होंगे, 9वें में होंगे, 10वें में होंगे और 11वें में होंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या योग बनता है, देखिए मंगल देव और शनि देव दोनों ही यदि दूसरे भाव में हो, देखिए यहां पर शनि देव के होने से वो यहां नीच के हो जाएंगे, लेकिन मंगल देव की राशि में है और मंगल देव भी स्वयं शनि देव के साथ में विराजमान है, तो यहां नीच भंग जो है शनि देव का हो गया है। इस स्थिति में भी ये जो है बहुत अच्छा योग बनेगा। ठीक है, अगला योग क्या है, देखिए मंगल और शनि यदि पहले भाव में हो तो भी बहुत अच्छा, 11वें भाव में हो तो भी बहुत अच्छा। यहां पर शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में और मंगलदेव उच्च के, बहुत शानदार स्थिति ये होगी। निश्चित ही यदि मंगलदेव और शनिदेव इस लग्न कुंडली में 11वें भाव में हो तो ऐसा जो जातक है निश्चित ही जो है धनवान होता है, पैसे वाला होता है, करोड़पति बनता है, बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि मंगलदेव यहां उच्च के हो गए और शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में है, अच्छी अच्छी स्थिति है। ठीक है, या तो पहले भाव में हो या दूसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो, अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए चंद्रमा यदि 5वें भाव में हो, इसके साथ में मंगल यदि 11वें भाव में हो,
तो यहाँ चंद्र मंगल का जो लक्ष्मी योग बन रहा है बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छा योग है। ठीक है, यहाँ चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में है और मंगल देव जो है अपनी उच्च राशि में है, दोनों की एक दूसरे पर सात्विक दृष्टि है, बहुत अच्छा सहयोग है। इसको जो है मां लक्ष्मी योग की संज्ञा दी गई है, बहुत अच्छा जो है ये राजयोग बनता है। यदि शनि, यदि चंद्रदेव और मंगलदेव साथ में युति में हो या एक दूसरे पर इनकी दृष्टि हो तो ये योग बनता है, अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए चंद्रमा और मंगल दोनों ही एक साथ यदि पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, सातवें भाव में, नौवें भाव में, दसवें भाव में और ग्यारहवें भाव में यदि होंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। देखिए चंद्रमा और मंगलदेव यदि यहां होंगे तो यहां मंगलदेव नीच के हो जाएंगे, लेकिन उनका नीच भंग हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में, माफ कीजिए, मंगलदेव जिस राशि में नीच के हुए हैं उनके स्वामी चंद्रमा भी स्वयं उनके साथ में बैठे होंगे। चंद्रमा और मंगल यहां बैठे होंगे तो मंगल देव का यहां नीच भंग हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, उसी तरह यहां कि चंद्रमा और मंगल यहां होंगे तो यहां पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, लेकिन ये मंगल देव की राशि है और मंगल देव स्वयं यही विराजमान है तो यहां पर चंद्रमा का भी जो है वो नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला युग क्या बनेगा, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही एक साथ युति में यदि पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, दसवें भाव में और ग्यारहवें भाव में यदि होंगे तो ये भी जो है बहुत अच्छी स्थिति, एक दो चार पांच सात नौ दस ग्यारह, इसमें यदि चंद्रमा और बृहस्पति देव दोनों ही सातवें विराजमान होंगे तो ये जो है बहुत अच्छी स्थिति होगी क्योंकि इसमें गज के ऐसे योग का भी निर्माण होगा, अच्छी स्थिति है ना। इसके बाद देखें, देखिए यदि बृहस्पति और चंद्रमा यदि इस लग्न कुंडली में यदि पहले भाव में हो, दूसरे भाव में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, नब्बे में, दसवें में, ग्यारहवें में यदि दोनों साथ में बैठे हो और उसके ऊपर यदि मंगल देव की दृष्टि किसी भी तरीके से यदि पड़ रही हो, मान लीजिए कि बृहस्पति और चंद्रमा यहां विराजमान है, अब मंगल देव यदि यहां हो तो चौथी दृष्टि उनकी पड़ेगी या मंगल देव यहां हो तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी, है ना। इस तरीके से मंगल देव की दृष्टि यदि बृहस्पति और चंद्रमा की युति पर पड़ेगी तो यह बहुत अच्छा और बहुत शुभ योग हो जाएगा। इसमें जो है चंद्रमा और बृहस्पति जो है उस पर यदि धन भाव के स्वामी और जो है भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी तो यह बहुत ही अच्छा और बहुत शुभ संयोग है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बृहस्पति देव पांचवें भाव में हो और मंगल देव यहां हो, यहां बृहस्पति देव उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यहां मंगल देव ग्यारहवें भाव में उच्च के हो जाएंगे, बहुत ये जबरदस्त स्थिति बनेगी। ऐसा व्यक्ति जो है यू मान के चलिए आपकी करोड़पति होता है, बहुत धन होता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि देखिए लग्नेश भी बलवान हो गए और जो है धनेश भी बलवान हो गए, बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए चंद्रमा यदि पांचवें भाव में हो, मंगल देव यदि नब्बे भाव में हो और बृहस्पति यदि पहले भाव में हो, यहां पर त्रिकोण सिद्ध हो गया है। देखिए हर त्रिकोण का हर भाव मजबूत हो गया है, अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही ये बहुत जबरदस्त स्थिति होगी। लग्नेश अच्छी स्थिति में अपने स्वयं के घर में, पंचमेश चंद्रमा अपने स्वयं के घर में बहुत अच्छी स्थिति और नवमेश मंगल अपने स्वयं के घर में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ये देखिए ये जो योग है ये बहुत कम कुंडलियों में बनता है, लेकिन जिस किसी की भी कुंडली में होता है निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है और बहुत पैसे कमाता है। अब देखिए चंद्रमा यदि दूसरे भाव में हो और मंगल देव यदि ग्यारहवें भाव में हो, बहुत अच्छी स्थिति है। धन भाव में चंद्रमा, लाभ भाव में मंगल, उच्च राशि में बहुत ही अच्छी स्थिति, बहुत जबरदस्त स्थिति बनेगी। यहां पर देखिए मंगल की चौथी जो है दृष्टि भी जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है तो जो है यहां पर मां लक्ष्मी योग का भी जो निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, इसके बाद देखिए
शुक्र यदि पहले भाव में हो, देखिए शुक्र यदि पहले भाव में होंगे तो वो यहां उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए शुक्र इस कुंडली में मारक है, उन्हें एक तो आठवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है और एक तीसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त है, तो ये कुंडली के लिए मारक हो गए। तो देखिए इस स्थिति में यदि शुक्र पहले भाव में होंगे तो यहां पर बृहस्पति की स्थिति से बहुत कुछ निर्भर करेगा। यदि बृहस्पति देव केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो शुक्र जो है यहां अच्छे फल देंगे, बहुत अच्छे फल देंगे, अन्यथा शुक्र यहां जो है अपने सामान्य फल देंगे, ठीक है। बृहस्पति की स्थिति से ही यहां पर शुक्र जो है अपने अच्छे फल देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर देवे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।